असलकम एंड वेलकम बैक टू कोर्स आज हम बात करेंगे कि एज एन इनफ्लुंसर आपको किस तरह के ब्रांड के साथ काम करना चाहिए चाहे वो कोलेब्रेशन हो पेड पार्टनरशिप हो मार्केटिंग हो जो भी हो और किस तरह के ब्रांड्स के साथ आपको अपने आप को एसोसिएट करना चाहिए वैसे ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो आपके अपने काम पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं और जाहिर है आप जिस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं आपको उसी तरह के सिमिलर ब्रांड के साथ मिलते जुलते ब्रांड के साथ काम करना चाहिए एक दो चीज़ें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो अगर वो एक छोटा बिजनेस है छोटा ब्रांड है कोई छोटा मोटा पेज है जो अभी खुद डेवलप कर रहा है और शुरू में हो सकता है कि आपको काम करने का मौका भी ऐसे ब्रांड्स के साथ मिले तो आपको चाहिए कि अपनी एंड पे हमेशा पहले थोड़ी सी रिसर्च करें आपको कोई रीच आउट करता है काम करने के लिए आपके साथ तो आप उनके ऊपर रिसर्च करें कि एग्जैक्टली exactly वो क्या क्या बेचते हैं क्या क्या करते हैं उनकी प्राइस रेंज क्या है किस तरह की चीज़ें वो बेचते हैं उनकी अपनी प्रमोशंस किस तरह की होती हैं उनके ब्रांड रिव्यूज़ क्या हैं कहीं वो कोई स्कैम तो नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपने एंड पे रिसर्च ज़रूर किया करें ये आपका पहला स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है दूसरा ये कि जब भी आप किसी ब्रांड के साथ काम करने लगें तो अंडरस्टैंड करें कि उनके गोल्स क्या हैं इस कैंपेन के साथ या इस कोलेबोरेशन के साथ इस पार्टनरशिप के साथ और आपके गोल्स क्या हैं इस पार्टनरशिप के साथ ठीक है वो आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं वो जस्टिफाई करता है वो चीज़ जो आप से वो मांग रहे हैं वो और जो वो आपको दे रहे हैं इज़ इट जस्टिफाइड उस चीज़ को वे करें कि आपको किस एरिया में क्या फ़ायदा हो रहा है जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैंने शुरू में आ, मुझे एक काफ़ी बड़े ब्रांड ने अप्रोच किया था और उस वक्त मेरी अच्छी ख़ासी फॉलोइंग हो चुकी थी और मैं मेरा काफ़ी सक्सेसफुल uh, जा रहा था ब्लॉग uh, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको आपने हमारे लिए ये 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 करना है बहुत सारी चीज़ें थी uh, और हम आपको कराची बुलवाएंगे और कराची में ये सब होगा दैट मींस कि मेरे कोई तीन चार दिन वहाँ तीन दिन कराची में लगने थे uh, जहाँ पर मैंने कॉन्सटेंटली नॉन स्टॉप शूट वग़ैरह करना था और फिर फिर वो कैंपेन रोल आउट होनी थी उन्होंने मुझे इन रिटर्न क्या ऑफ़र किया कि हाँ आपका जो जो ये सारी कैंपेन है ये हमारे सारे ऑफिशियल पेज़ पे चलेगी क्योंकि वो ब्रांड बहुत बड़ा था तो उनकी समझ में ये था कि मुझे वो एक्सपोजर चाहिए मेरा यही गोल है कि क्योंकि मेरी शक्ल उनके ब्रांड पे चल पड़ेगी तो मुझे इससे फ़ायदा होगा जबकि मुझे उससे फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपनी ग्रोथ ऑर्गेनिकली खुद से कर लेती हूँ वो एक चीज़ है जिसकी मुझे किसी ब्रांड की उस तरह हेल्प की उस पॉइंट पर जरूरत नहीं थी तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप मुझे ऑफर कर रहे थे जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे ऐसी पार्टनरशिप जिसमें मेरा इतना टाइम इतनी मेहनत और इतनी एनर्जी लग रही थी उसमें जस्टिफाइड नहीं था कि आप एक दिन बस मेरी एक पोस्ट डाल दें जो शायद कुछ देख लें क्योंकि ब्रांड्स को उस तरह लोग उनके फे फेसबुक पेजेस को इतना सीरियसली नहीं लेते उन्होंने मुड़ के देखना भी नहीं है कि ये ऐड में कौन है बस एड में कोई लड़की है राइट तो मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होना था जिस वजह से मैंने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दी कि मुझे इस एफर्ट के लिए आ, पैसे मिलने चाहिए स्पेशली क्योंकि वो अगर ब्रांड इतना बड़ा है तो वो उनकी अफोर्डेबिलिटी में आता है तो इस तरह की चीज़ों को जज करना कि आपके गोल्स क्या हैं और उनके गोल्स क्या हैं और जो फ़ायदा दोनों को इस चीज़ से होना चाहिए वो एक फेयर और जस्टिफाइड हो जब आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप होगी या मॉनेटरी पार्टनरशिप होगी कमर्शियल पार्टनरशिप होगी तो आप ऐसे ही ब्रांड्स के साथ काम करें जिनके साथ आपके गोल्स अलाइन होते हैं फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर स्पेशली वैल्यू बेस्ड आप Uh, को फ़ायदा हो रहा है तो आपको ये क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि अगर आप एक ऐसी पार्टनरशिप कर रहे हैं जिनसे आपको बस एक्सपोजर मिल रहा है जैसे कि मुझे इस ऑफ़र में था तो उनकी फॉलोइंग क्या है क्या क्या उनके जो फॉलोअर्स हैं जो उनकी ऑडियंस है वो वही है जो आप में इंटरेस्ट भी रखेगी जो आपको फॉलो करना भी चाहेगी जेनविनली अगर उनकी ऑडियंस और फॉलोइंग ऐसी डेमोग्राफिक है जो आपकी डेमोग्राफिक से नहीं मैच करती जिनको आप में इंटरेस्ट नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है उनके साथ काम करने का ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है वैसे भी वैसे भी अगर वैल्यू बेस्ड ना भी हो तो आपको टेक्निकली उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम करना चाहिए जिनकी और जिनकी और आपकी चाहे आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हों जिनकी और आपकी डेमोग्राफिक सिमिलर हो अदरवाइज सेंस नहीं बनती अगर आपकी डेमोग्राफिक सिमिलर नहीं है आपकी फॉलोइंग एक जैसी नहीं है तो सेंस नहीं बनती कैसे ब्रांड का के साथ काम करने की जिसके साथ ना आप कनेक्ट कर सकते हैं ना आपकी ऑडियंस कनेक्ट कर सकते फिर है। होती हैं ब्रांड वैल्यूज़ ब्रांड वैल्यूज़ एक ऐसी चीज़ है ये होता है कि आपकी एज ए पर्सन आपकी क्या वैल्यूज़ है और उनकी एंड एज ए ब्रांड क्या वैल्यूज़ हैं ठीक है हो सकता है वो मैच ना करें वो सिमिलर ना हों तो किसी ऐसे ब्रांड के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं मैं यहाँ पर स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर वैसे कुछ और अपीयर नहीं हो सकते और किसी ब्रांड के साथ काम करते हुए कुछ और अपीयर नहीं हो सकते तो जहाँ आपकी वैल्यूज़ अलाइन होती हैं कोशिश करें कि आप उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम करें जहाँ वैल्यूज़ आपकी अलाइन हैं ये हमेशा एक चीज़ ख़्याल ख्याल रखनी है कि आपकी जो भी पार्टनरशिप हो जो भी स्पॉन्सरशिप्स हो, कोलाबोरेशन हो, उससे आपकी ऑडियंस को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए ठीक है अगर वो इनकी कैंपेन है या जो भी है उस कैंपेन की थीम से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है आपने हमेशा ये सोचना है कि ठीक है मुझे तो ये फ़ायदा हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी या एक्सपोजर या गिफ्ट्स या जो भी किसी फॉर्म में आपको फ़ायदा हो रहा है लेकिन मेरी ऑडियंस को किस फॉर्म में फ़ायदा होता है इसके बारे में पता करके तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो कोई बहुत मेन स्ट्रीम ब्रांड है जिसका सबको पता है जैसे टवाल है ठीक है तो उससे आपकी ऑडियंस को शायद ये फ़ायदा नहीं होगा कि उनको टपाल के बारे में पता चलेगा लेकिन क्या पता है टपाल की कोई ऐसी थीम हो या ऐसी कोई कैंपेन हो जो कि बहुत अच्छी है जिसमें कोई मीनिंग है जैसे फॉर एग्जांपल एरियल के बारे में सबको पता है उसकी मैंने एक लेटेस्ट कैंपेन अभी ये की थी कि वो बात कर रहे थे इक्वल पार्टनरशिप के बारे में इन मैरिज़ वो एक ऐसी ब्रांड वो एक ऐसी वैल्यू है जो मेरे दिल से भी बहुत क्लोज है जो अपेरेंटली एरियल की भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांड वैल्यू है मैच करता है ठीक है और मुझे पता है कि एक ऐसा मैसेज मुझे एरियल के थ्रू देने को मिल रहा है जिससे मेरी ऑडियंस को फ़ायदा है समझ रहे हैं आप मेरी बात तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फिर मैं एक ऐसी कैंपेन है जो मैं लूँगी जिससे मुझे पता है कि लोगों को भी फ़ायदा है मुझे भी फायदा है ब्रांड को भी फ़ायदा है और मेरी वैल्यूज़ भी इनके साथ अलाइन होती हैं अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ वो ये है कि शुरू में ना अगर क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए मोस्टली कोर्स है आई नो आपकी पहली दो ऑफर्स आएंगी और पार्टनरशिप्स आएंगी और आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी और आपका दिल चाहेगा कि बस अच्छा अगर मुझे पैसे ऑफ़र हो रहे हैं तो मैं एकदम से चढ़ के ले लूँ जो कि आपको होंगे क्योंकि अभी इंडस्ट्री ऐसी है कि आप इसमें स्टेप इन करेंगे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको पार्टनरशिप्स आना शुरू हो जाएंगी एंड इंस्टेंटली मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम के लिए ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें आपको अपनी क्रिएटिव फ्रीडम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जहाँ पर कोई ब्रांड आपसे आपकी क्रिएटिव फ्रीडम लेता है यानी आपके बनाने का तरीका आपका कंटेंट बनाने का स्टाइल वो अगर आपसे चेंज करवाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप उनके साथ ना काम करें और मोस्टली होता है कि जब आपको पैसे ऑफर होते हैं स्पेशली जब आप छोटे से इन्फ्लुएंसर होते हैं तब आपको क्रिएटिव फ्रीडम वो नहीं देते क्योंकि वो एक होता है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो इसको बिल्कुल ऐसे करें लेकिन ऐसे नहीं होता इसीलिए अपनी अपने स्टाइल ऑफ वर्क को इतना ऑथेंटिक बनाएं अपने स्टाइल ऑफ वर्क को इतना पक्का करें कि आपसे कोई आपका क्रिएटिव फ्रीडम ना छीन सके ठीक है तो शुरू में अगर आपको थोड़े से पैसे अप करने पड़े फॉर अ बिगर पिक्चर तो वो मे मेरी एडवाइस है कि वो आप करें क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म जब आपका आपसे क्रिएटिव फ्रीडम नहीं छीना जाएगा और आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ करेंगे तो ना आपको चाहे कोई ब्रांड जितने मर्जी पैसे दे वो आपसे आपका क्रिएटिव फ्रीडम नहीं छीनेगा क्योंकि उन्हें पता है कि आपका ये स्टाइल है आप ऐसे ही करते हैं आपकी ऑडियंस को पसंद भी ऐसे ही आता है और वो आपको क्रिएटिव फ्रीडम भी देंगे और वो आपको आपके काम के लिए पैसे भी देंगे जितना आप ट्रूली डिजर्व करते हैं ठीक है तो शुरू में स्पेशली अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें निगोशिएट करें बात करके देखें बहुत सारे अब क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है लोग अंडरस्टैंड करते हैं क्रिएटिव फ्रीडम को ठीक है मतलब आप इस तरह कर सकते हैं कि आप को अगर इफ़ समबडी इज़ विलिंग टू पे यू तो आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं इसका सेवेंटी फाइव परसेंट ले लूँगा फिफ्टी परसेंट ले लूँगा लेकिन मुझे मेरा क्रिएटिव फ्रीडम प्रैक्टिस करने दीजिए तो फेयर रखिए आपने अपने साथ भी फेयर होना है और लालच में आके ऐसे नहीं करना क्योंकि फॉर श्योर इस इंडस्ट्री में यू विल गेट टू मेक मनी आपको थोड़ी सी सब्र दिखानी होगी और अपने आप के साथ जैन होना पड़ेगा और अपने क्रिएटिव स्टाइल के साथ भी जैन होना पड़ेगा ठीक है so, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए जब आप किसी भी ब्रांड के साथ पार्टनर करते हैं कोलेबोरेट करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें आ, जितना आप सोच समझ के ये करेंगे जितना आप स्मार्टली ये करेंगे उतना ही आप इसमें से रेवेन्यू जेनरेट कर सकते हैं क्योंकि अदरवाइज़ वो एक वाली ये वाली चीज़ है कि आपको ऑफर्स आने शुरू हुए हैं आपको पैसे आने शुरू हुए आपने उसको इतना कर लिया कि लिटरली ना आपका क्रिएटिव फ्रीडम रहा ना आपकी क्रिएटिविटी रही और आपका ब्लॉग ऐसे ऊपर चढ़ के ऐसे नीचे आएगा तो ग्रोथ को हमेशा सस्टेनेबल रखें कंसिस्टेंट रखें ठीक है और आगे की सोचें अगर आपने इसके अंदर इसको एक फुल टाइम करियर बनाना है और इससे सही तरीके से इस इंडस्ट्री में का एक हिस्सा बनना है और इससे आपने कुछ पैसे बनाने हैं अपने लिए ताकि आप एक सस्टेनेबल लाइफ गुजार सकें ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे नगोसिएशन और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ब्रांड्स के साथ बहुत छोटी सी वीडियो है नेक्स्ट टाइम उसमें मिलते हैं अल्लाह हाफिज